क्या नाम है शायद, क्या नाम है चैप्टर का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका, क्या नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका वर्णन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किसका वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर होगा महिलाया, मतलब औरत। किसका वर्णन किया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका में जो वर्णन किया है किसका किया गया है? औरत का किया गया, ठीक है। तो देखो पढ़े शुरू करें। देखो कहता है समाजस्य यानम, समाजस्य यानम, समाजस्य यानम पुरुषे नारी भिश्व चलती, मतलब समाज की गाड़ी, यानम मतलब होता है गाड़ी, यानम मतलब क्या होता है? गाड़ी। समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष से चलती है, ठीक है। समाज की गाड़ी स्त्री और पुरुष से चलती है। साहित्योपि मतलब साहित्य में, किसमें? साहित्य में। उभयो मतलब होता है दोनों, के उभयो मतलब दोनों। साहित्योपि उभयो समान महत्व, मतलब साहित्य में दोनों का समान महत्व है। किसका? स्त्री का और पुरुष, मतलब दोनों का साहित्य में, साहित्य में कैसा महत्व है? समान महत्व है, मतलब साहित्य में दोनों का समान महत्व है। देखो फिर कह रहा है अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्परा, मतलब कहता है आजकल, अधुना मतलब आजकल सभी भाषा में, सर्वभाषा मतलब सभी भाषा में, साहित्य रचना में, किसमें? साहित्य रचना में स्त्रियां क्या? स्त्रियां तत्परा, स्त्रियां क्या है? तत्परा है। संति यशस लभन्ते, और यश को प्राप्त कर रही है कौन? महिलाएं भी आजकल साहित्य रचना में किसको? यश को प्राप्त कर रही है। देखो फिर करा, देखो कहता है संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाकाधीन प्राप्त्यते। कहता है कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही, कौन काल से? प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान जो है अधिक से अधिक और कम से कम रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो, देखो क्या कर, देखो कहता है पाठे अस्मिन, मतलब इस पाठ में, कौन पाठ में? यानी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में, इस पाठ में पाठे अस्मिन ती प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते, मतलब इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिका, अति प्रसिद्ध लेखिका की चर्चा है। इसकी चर्चा है, अति प्रसिद्ध लेखिका की क्या है? चर्चा है। फिर कहता है येन साहित्य निधि पुरेण तमसा योगदानम ज्ञाते, जिससे साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर आगे देखो नीचे से, समझ में आ रहा ना? फिर आगे देखो, वो कहता है विपुलम संस्कृत साहित्ये विभिन्न कवि भी शास्त्र कार्यश्च संवर्धितम्। कहता है विपुलम संस्कृत साहित्य, क्या? विपुलम संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया है। संवर्धित मतलब होता है बढ़ाया गया है, मतलब विपुल संस्कृत साहित्य के विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से बढ़ाया गया है। फिर कह रहा है वैदिक कालादाव्य, मतलब वैदिक काल के आरंभ में, किसमें? वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रानां काव्यानां रचने संरक्षण च यथा पुरुषा दत्ता चित्ता अभवान तथैव स्त्रियोपि दत्तावधावना प्राप्त्यते। कहता है वैदिक काल के आरंभ में, कौन आरंभ में? वैदिक काल के आरंभ में, आरंभ के समय से शास्त्र और काव्य, क्या है? शास्त्र और काव्य की रचना में और संरक्षण में जैसे यथा मतलब जैसे पुरुष, ठीक है, पुरुष ने मन लगाया है, ठीक उसी प्रकार स्त्री भी क्या, कि स्त्री भी मन लगाई है, मतलब साहित्य और काव्य की रचना करने में जिस प्रकार कौन पुरुष ने मन लगाया है, ठीक उसी प्रकार कौन मन लगाया है? स्त्री भी मन लगाई है। देखो फिर कहा देखो वैदिक युगे मंत्रानांग दर्शका न केवला ऋषिभ्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। कहता है उसी प्रकार वैदिक युग में, कौन युग में? वैदिक युग में वैदिक युग के मंत्रों के मंत्रों में
केवल ऋषि ऋषि भी नहीं, केवल ऋषि भी नहीं किंतु कौन ऋषि का भी क्या है, ऋषि का भी क्या है अपना मन लगाया है, मतलब वैदिक युग में ऋषि भी नहीं किंतु कौन ऋषि का भी क्या किया, ऋषि का भी अपना मन लगाया है। फिर देखो फिर कहता है ऋग वेदे, क्या कर रहा है ऋग वेदे, मतलब ऋग वेद में, ऋग वेद मतलब ऋग वेद में चतुर्थविश विंशति अथर्वेदे च पंच ऋषि का, कहता है ऋग्वेद में कितने 24 ऋषि का, ऋग्वेद में क्या वो 24 ऋषि का और अथर्वेद में कितने 5 ऋषि का, 5 ऋषि का मंत्र दर्शन शास्त्रियो निर्दिश्यन्ते, मतलब कहता है ऋग्वेद में क्या कितना 24 गो ऋषि का और अथर्वेद में 5 गो जो ऋषि पत्नियां भी मंत्र दृष्टवा के रूप में क्या रूप में बताए गए हैं। पूछेगा ऋग्वेद में कितने ऋषियों का वर्णन किया गया, 24 गो, और अर्थवेद में कितने किया गया है, अर्थवेद में 5 गो किया है। ठीक है तो पांचों का नाम क्या है, देखो पहला देखो यथा मतलब, यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे, पांचों का नाम क्या है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, मतलब ऋग्वेद में 24 ऋषि का और अथर्वेद में क्या लिखा, अथर्वेद में कितने 5 ऋषि का जो है क्या किया है, 5 ऋषि का मतलब इसमें क्या किया है, इसमें 5 ऋषि के बारे में बताया गया है। फिर आगे देखो नीचे से देखो कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद, ये क्या उपनिषद है, क्या है बृहदारण्यक उपनिषद, याकवल्लवस्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिमति वर्णिता, कहता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि याकवल्लव की पत्नी, किसकी पत्नी, याकवल्लव की पत्नी, इसका नाम क्या था मैत्रेयी, क्या नाम था याकवल्लव की पत्नी का नाम क्या था मैत्रेयी, जो कैसी थी दार्शनिक रुचिमती की थी, कैसी थी दार्शनिक रुचिमती की थी। क्वेश्चन आता है कि मेघा सॉरी याकवल्लव की पत्नी का नाम क्या था मैत्रेयी, क्या नाम था मैत्रेयी, वो कैसी थी दार्शनिक रुचिमती की थी, याम मतलब उसे याकवल्लवस्य आत्म तत्व शिक्षा शिक्षा दयती, मतलब कहता है कि वो जो उसकी पत्नी जो थी मैत्रेयी उसको याकवल्लव आत्म तत्व की शिक्षा देती थी, क्या कौन सी शिक्षा देती थी आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। क्वेश्चन आता है याकवल्लव अपनी पत्नी को क्या चीज की शिक्षा देती थी आत्म तत्व की शिक्षा देती थी, कौन याकवल्लव, याकवल्लव की पत्नी का नाम क्या थी मैत्रेयी, क्या नाम थी मैत्रेयी। देखो फिर जो कह रहा है नीचे से जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचनानि वाचन नवी तिष्ठति अस्म, कहता है जनक के सभा में, किसके सभा में जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी, कौन रहती थी गार्गी नामक विदुषी, कहाँ रहती थी किसके सभा में जनक के सभा में। क्वेश्चन आता है कि जनक के सभा में कौन विदुषी रहती थी, उसका नाम क्या है गार्गी, यानी जनक के इसका इसलिए कह दिया हुआ कि जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचनानी तिष्ठति अस्म, मतलब जनक की सभा में गार्गी नाम की विदुषी रहती थी, कौन रहती थी गार्गी नाम की विदुषी रहती थी। तो फिर तो कह रहा है महाभारते अपि, क्या कह रहा है महाभारते अपि, मतलब महाभारत में भी, किसमें महाभारत में भी जीवन पर्यंत, क्या है जीवन पर्यंत वेदांतानुशीलन प्राय सुलभया वर्णनम लभ्यते, कहता है महाभारत में भी जीवन पर्यंत जीवन पर्याप्त वेदांत के अध्ययन में कौन स्त्रियां रही यह बात आसानी से, इस मत स्त्री का भी क्या मिलती है वर्णन मिलती है, किसने महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत में स्त्रियां का भी क्या मिलती है स्त्रियां का भी वर्णन मिलती स्त्रियां का भी वर्णन मिलती है। फिर आगे देखो नीचे से यहाँ देखो कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य कौन क्या लौकिक संस्कृत साहित्य में, किसमें लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण मतलब प्राय प्रायण मतलब प्राय चत्वारिंशत् कत्व कवित्रीणां सारसतंग पद्यानी अस्फुष्ट रूपेण इतस्ततो लभ्यते, कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में, किसमें लौकिक संस्कृत साहित्य में, मतलब कि लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् मतलब 40 कवि, कितने कवि कवित्री 40 कवित्री और सार्ध शतंग का मतलब होता है सार्ध मतलब आधा शतंग मतलब 100 यानी 150 पद्यानी 150 मतलब पद 150 पद अस्पष्ट अस्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त है। तो क्वेश्चन आता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री है
कितने कवित्री का 40 गो और पद कितने हैं 150। मतलब 150 पदों का वर्णन किया गया है और 40 कवित्रियों का वर्णन किया गया किसमें लौकिक संस्कृत साहित्य में। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्री है ना, चतुर्थ कवित्री नाम मतलब 40 कवित्री है और 150 क्या 150 पद का क्या गया पद का वर्णन किया गया है 150 पद का वर्णन किया गया है। फिर आगे दो कह रहा है देखो तो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्री का वर्णन किया गया है 40 कवित्री का वर्णन किया गया है और 150 पद का वर्णन किया गया कितना पद का 150 पद का वर्णन किया गया है। देखो फिर कह रहा है देखो कह रहा है तासु मतलब उसमें किसमें वो जो 40 कवित्री है उस 40 कवित्री में विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते और उसमें कौन विजयंका जो है विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते विजयंका जो है कितने स्थान प्रथम स्थान पे है विजयंका कितने स्थान पे है प्रथम विजयंका जो वो प्रथम स्थान पर है ठीक है किसमें मतलब जितना 40 कवित्री है ना 40 गो में प्रथम स्थान पर कौन है विजयंका नाम के कवित्री है वो प्रथम स्थान पर है। देखो फिर जो कह रहा है तो कहता है साच श्याम वर्ण सीत प्रधानेन स्फुटी भवती वह श्याम वर्ण की थी श्याम वर्ण मतलब श्यामला थी कौन विजयंका। क्वेश्चन आता है कि विजयंका किस रंग की थी तो श्यामला थी श्यामला थी यह इस पद से स्पष्ट होता है यह जो पद है इस पद से स्पष्ट होता है। अब देखो इस पद का इसका इसका हिंदी क्या होगा हिंदी पढ़ा है तुमको पता नहीं देखो क्या देखो क्या कह रहा है देखो कहता है नीलो उत्पल दलम श्यामांग विजयंका विजयंका मजानता पृथ्वी दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती सर्वशुक्ला सरस्वती करा नील उत्पल दलम श्यामा विजयंका विजयंका मजानता पृथ्वी दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती कहता है नील कमल के पंखुरी जैसा किसके जैसा नील कमल के पंखुड़ी जैसा कौन श्याम मतलब कि श्यामला रंग वाली कौन श्यामला रंग वाली कौन थी विजयंका मतलब श्यामला रंग वाली विजयंका को जानो विजयंका को जानो ऐसा 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 कौन मानते हैं ऐसा डांडी लोग मानते हैं ऐसा डांडी लोग के द्वारा कहा गया है ऐसा डांडी लोग के द्वारा कहा गया है। फिर तो क्या कर रहा देखो कहता है समझा तक yes. आगे देखो देखो कहता तस्या काल अष्टम शत कमित्युनियते मतलब उसका जो काल था आठवीं शतक का था किसका काल विजयंका का काल कौन शतक का था आठवीं शतक का था। फिर कह रहा है देखो आठवीं शतक का था ऐसा अनुमान किया जाता है ऐसा अनुमान किया जाता है। फिर देखो फिर कर रहा है देखो कहता है चालुक वंशस्य एक मिनट देखो कहता है चालुक वंशस्य चंद्रादित्य रागी मतलब चालुक वंश का राजा जो था कौन चंद्रादित्य। कहेगा क्वेश्चन आता है कि चालुक वंश का राजा कौन है चंद्रादित्य और रागी मतलब रानी रागी मतलब क्या रानी कौन रानी रानी विजय भट्टारिके विजयंका इति बहवो मन्यते कहता है कि चालुक वंश के राजा कौन चंद्रादित्य की जो रानी थी चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयंका थी कौन थी विजय भट्टारिका विजयंका थी। तो विजय भट्टारिका विजयंका किसकी पत्नी थी चंद्रादित्य की विजय भट्टारिका जो थी विजयंका किसकी पत्नी थी चंद्रादित्य की। तो चंद्रादित्य कहाँ का राजा था कहाँ का चालुक्य वंश का राजा था कौन चंद्रादित्य और चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था विजय भट्टारिका विजयंका क्या नाम था विजय भट्टारिका विजयंका जो थी वो किसकी पत्नी थी चंद्रगुप्त ये चंद्रादित्य की पत्नी किसकी पत्नी थी चंद्रादित्य की पत्नी थी और चंद्रादित्य कहाँ का राजा था चालुक्य वंश का राजा था। फिर दो कह रहा है कहता है किंच शिला
भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भाद्रा प्रभृतियों दक्षिण भारतया संस्कृत लेखिका अस्पुष्ट पदे प्रसिद्धा। कहता है कि ये सब नाम है, क्या ये सब नाम है, क्या क्या नाम है, भट्टारिका हो गया, देव कुमारिका हो गया, राम भाद्रा हो गया इत्यादि, कुछ दक्षिण भारतीय है ना, दक्षिण भारतीय मतलब दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने अस्पुष्ट पद के कारण ये सब प्रसिद्ध है। ये सब कौन, ये सब लेखिका क्या, इस लेखिका प्रसिद्ध है, क्या लिखने में, संस्कृत साहित्य लिखने में सर लेखिका क्या है, प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है। तो आगे पेज पलटाओ, इस बगल देखो, आगे देखो, आगे कहा देखो, कहता है कि विजयनगरस्य नरेशा, नरेशा मतलब होता है राजा, नरेशा मतलब क्या होता है, राजा, यानी राज, क्या होता है, राज, ठीक है। कहता है विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसाम आसामित विदित में। कहता है कि विजयनगर राज के राजाओं ने, कौन, विजयनगर राज के राजाओं ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए ये जो प्रयास किए थे, जो प्रयास किए थे वो सर्वविदित है, वो क्या है, सर्वविदित है, मतलब कि संस्कृत संरक्षण भाषा के लिए प्रयास कौन किया था, विजयनगर के राजा, कौन किया था, विजयनगर के राजा किया था। फिर जो कह रहा है, कहता है तेसाम अंत पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन। कहता है फिर कहता है, देखो उसमें कहता है उसके अंतपुर में भी, किसमें, उसके अंतपुर में भी संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई, कौन हुई, कुशल रानियां, संस्कृत रचना की कुशल रानियां हुई। फिर जो कहता है कंपन रायस्य, मतलब कंपन राय, कौन, कंपन राय, ये क्या, ये नाम है, ये क्या है, ये नाम है। रागी मतलब रानी, किसकी रानी, कंपन राय की रानी, कौन, गंगा देवी, क्या नाम है, गंगा देवी, मतलब क्वेश्चन आएगा कंपन राय की रानी का नाम क्या था, गंगा देवी, कौन थी, गंगा देवी। तो मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, मतलब उसने एक काव्य लिखा, उस काव्य का नाम क्या है, मधुरा विजयम। तो कहेगा मधुरा विजयम काव्य कौन लिखी है, गंगा देवी, कौन लिखी है, गंगा देवी लिखी है, और गंगा देवी के पति का नाम क्या है, कंपन राय, क्या नाम है, कंपन राय। अब जो वो काव्य लिखी है देखो उसमें किसके बारे में बताया गया है, फिर तो कहता है स्व मतलब अपने, स्व मतलब अपने, सामीनो मतलब पति, अपने पति के, पति के मुदेरे विजय, विजय घटना मासित्वा रचयत, मतलब उसने अपने पति के विजय घटना आश्रय को लेकर रची थी, कौन, कौन, गंगा देवी, गंगा देवी अपने पति पर एक काव्य लिखी, उस काव्य का नाम, काव्य का नाम क्या है, मधुरा विजयम, काव्य का नाम क्या है, मधुरा विजयम। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है, गंगा देवी, क्या नाम है, गंगा देवी। फिर देखो फिर करा है कहां थे रे, तस्मिन एव राज्यो षोडश संस्कृत, षोडश वर्तते, यहां तक पढ़ लिया ना, मधुरा विजयम, यहाँ देखो फिर कह रहा है तत्रा अलंकाराणाम सन्निवेश आर्वजको वर्तते, मतलब कहता है उनमें अलंकारों का समन्वय आकर्षक है, किसमें, मधुरा विजयम काव्य में। फिर जो कह रहा है तस्मिनेव राज्यो षोडश शत के शासनम कुर्वत, कहता है कि उसी के राज में 16वीं सदी में शासन करने वाले, कौन सदी में, 16वीं सदी में शासन करने वाले कौन, अच्युत रायस्य मतलब अच्युत राय, अच्युत राय राज्यस्य रानी, मतलब किसकी रानी, अच्युत राय की रानी, क्या नाम है, त्रिलंबा, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है, त्रिलंबा। वरदाम्बिका पाणिनाय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचयत, अब देखो कहता है अच्युत राय की पत्नी त्रिलंबा भी एक काव्य लिखी, उस काव्य का नाम क्या है, उस काव्य का नाम है वरदाम्बिका, वरदाम्बिका पारिनाय नामक श्रेष्ठ, प्रौढ़ मतलब श्रेष्ठ, चंपू काव्य की रचना की, कौन काव्य रचना की, चंपू काव्य की रचना की। क्वेश्चन आएगा कि चंपू काव्य की रचना कौन की, तो अच्युत राय की पत्नी त्रिलंबा ने चंपू काव्य की रचना की, ठीक है, की रचना की।
की, ठीक है रचना की। फिर कहता तत्र संस्कृत गदस्य छठा समस्त पदावल्या ललित पदा ललित पदनियो ललित पदवी न्यासेन अतीव शोभते अतीव शोभत। कहता है जिसमें संस्कृत गद की शोभा, संस्कृत गद की शोभा समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण बहुत अच्छा है। बहुत क्या है? अच्छा। बहुत अच्छा है। फिर आगे दो कह रहा है संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते, मतलब संस्कृत साहित्य में उपयोग किए गए सामासिक शब्द भी वही पाए गए हैं, वही पाए गए हैं। फिर आगे देखो क्या कर रहा है निचला स्टैंडर्ड देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हर एक बार देखो। कहता है आधुनिक काले मतलब आधुनिक काल में, कौन काल में? आधुनिक काल में संस्कृत लेखा कु संस्कृत लेखासु पंडिता क्षमा रहा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखाओं में कौन? पंडिता क्षमा रहा। ये क्या है नाम है? पंडिता क्षमा रहा, पंडिता क्षमा रहा, पंडिता क्षमा रहा। अगर उसके समय की बात करें, समय कितना है? 1890 से 1953, ठीक है 53। नाभध्या विदुषी अति प्रसिद्धा मतलब आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में, ठीक ना, लेखिकाओं में कौन? क्षमा राव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन आएगा आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हुई? क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। ये क्या नाम है? ये महिला का नाम है, पंडिता क्षमा राव। बहुत क्या हुई? बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई। फिर जो कह रहा है तया स्वपितु शंकर पांडु रंग पंडितस्य महतो विदुषे जीवन रचित शंकर चरितम इति रचितम। कहता है उसके द्वारा अपने अपने पिता शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग पंडित, तो कहेगा कि पंडिता क्षमारव की पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित, है ना? देखो है ना, है ना, स्व मतलब अपने, पितु मतलब पिता, ठीक है। फिर से बता देखो, स्व मतलब अपने, पितु मतलब पिता, पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर पांडुरंग पंडित की। महतो मतलब महान, महतो मतलब महान। विदुषो मतलब विद्वता, विद्वता। जीवन रचितम उस पे आधारित जीवन रचितम कौन? शंकर चरितम, शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई, नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो पंडित क्षमा राव ने कौन ग्रंथ की रचना की? शंकर चरितम। उसमें किसके बारे में बताया गया? अपने पिता, पिता का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग पंडित के बारे में बताया गया है। किसमें? शंकर चरितम में। फिर आगे कह रहा है गांधी दर्शन प्रभाविता मतलब गांधी दर्शन से क्या होकर? प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित या साहित्य गृहिता मीरा लहरी, साहित्य गृहिता मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक अनेक गद और पद ग्रंथांत पढ़ी प्रणीतवती। कहता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उसने उसने कौन कौन से काव्य लिखे? ये सब काव्य का नाम है मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ये सब किसका नाम है? ये सब क्या? ये सब जो है इस सब उसकी काव्य का नाम है। किसे काव्य का नाम है? पंडिता क्षमा राव के काव्य का नाम है। फिर आगे दो कह रहा है वर्तमान काले मतलब वर्तमान काल में, कौन काल में? वर्तमान काल में लेखन, कहता है लेखनरतासु कवित्रियसु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्ति अनुजन्म संस्कृत साहित्य में पूजंती। कहता है कि वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में क्या क्या नाम है? पुष्पा दीक्षित वनमाला और मवालकर और कौन? मिथिलेश कुमारी आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है? संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है, संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही है, ठीक है। अब देखो इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसका क्वेश्चन आंसर देख लिया। समझ में आया यहाँ तक? समझ आ गया ना? चलो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है बताओ अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? मिथिला त्रिलंबा। त्रिलंबा क्या नाम था? त्रिलंबा। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? त्रिलंबा। गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। बताओ मैत्रेयी याकवल्लभ की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। क्या नाम था? मैत्रेयी। बताओ याकवल्लभ जो था अपनी पत्नी को क्या चीज की शिक्षा देती थी?
आत्म तत्व की आत्म तत्व शिक्षा देती थी। ठीक है,